नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन माताओं के लिए जो अपने बच्चों को कहती हैं और तेज़ दिमाग हो जाए किसी तरह। तो यह वीडियो डेडिकेटेड है उनके लिए, यह वीडियो डेडिकेटेड है मेमोरी लॉस के लिए, टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के लिए, जो थोड़ा बहुत बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी की दिक्कत होती है। यह एक समस्या है जो बड़ी समस्या है। आजकल कंपटीशन का दौर है, 99.5% नंबर वालों का तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली के अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उससे नीचे वालों की आप क्या कहोगे। 99.5, मैं देखता हूँ कट ऑफ लिस्ट 99.6 99.7 चली जाती है। मैं अपने बच्चों के लिए भी चिंतित होता हूँ यह देख कर कि इस कंपटीशन के दौर में जब हिंदुस्तान की आबादी 125 करोड़ से ज़्यादा पार कर गई है और एक बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो गई, और भयावह स्थिति इस स्तर की है कि आज नहीं कल इस देश में गृह युद्ध को लाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। और यह गृह युद्ध किसी रिलीजन पे नहीं होगा, धर्म पे नहीं होगा, यह गृह युद्ध अमीर और गरीब के बीच में होगा, क्योंकि स्थिति बहुत भयावह हो रही है। और इस भयावह स्थिति से हम सब निपटने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश का सबसे बड़ा दिक्कत होती है बच्चों पर प्रेशर। ये हकीकत हम सब जानते हैं कि 99.9 नंबर चाहिए, और उसके लिए हम लोग बच्चों पर दबाव डालते हैं, और कभी कभी बच्चे उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं। हम आपको बताएंगे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या कंसंट्रेशन या मेमोरी को बढ़ाने की 10 से 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपको इस दिक्कत से निकाल देंगी। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं मेमोरी लॉस होता क्या है। मेमोरी लॉस साथियों दो तरह का होता है। एक तो होता है परमानेंट, जो कि डिमेंशिया होता है, जो कि एक अलग विषय है, जो आज का विषय नहीं है। और एक होता है मेमोरी लॉस जो शॉर्ट टर्म होता है। इस बात को मैं आपको एक बहुत छोटी सी लाइन में समझा दूं। मान लीजिए कार की चाबी है, कार की चाबी रख के कहाँ भूल गए, ये एक सिनेरियो है। और कार की चाबी किस काम आती है ये भूल गए दूसरा सिनेरियो है। तो जो कार की चाबी को कहाँ रख के भूले, ये शॉर्ट टर्म फॉरगेटनेस है, जो कि मेमोरी लॉस है। और कार की चाबी किस काम आती है, कार खोलने काम आती है कि किस काम आती है, यही भूल गए, यह डिमेंशिया है, जो कि अलग विषय है। तो हम लोग बात करेंगे कार की चाबी कहाँ रख के भूल गए। अगर ये शिकायत आपको होती है, हमें भी होती है, हमने खाना शुरू कर दी दवा जिनको बेलोबा, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जो कि एक तनाव और काम के कारण है। तनाव तो हम नहीं लेते, लेकिन काम वास्तव में 5 लोगों का हम अकेले करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा सा प्रेशर दिमाग का है, ठीक हो जाएगा। तो यह समस्या है। तो ये होता है मेमोरी लॉस, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। इसके सिम्टम्स के विषय में आ जाएं, हमने एक लाइन में आपको सिम्टम एक्सप्लेन कर दिया। चीज़ को थोड़े वक्त के लिए भूल जाना, यह ही इसका सिम्टम है। जैसे बच्चा पढ़ाई करा भूल गया, कहीं याद सब करता है, एग्जाम जाते समय भूल जाता है, तो यह जो है यही सबसे बड़ा सिम्टम है जिस समस्या की हम लोग बात कर रहे हैं। कॉज की बात कर लें साथियों, कॉज इसके तमाम होते हैं। डिप्रेशन होता है, नींद ना आना होता है, एंजाइटी होता है, वर्क ओवरलोड होता है, स्ट्रेस होता है, ये सारे इसके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कॉजेस होते हैं। हम आपको बताएंगे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो आपके बच्चों को, आपकी समस्या को, जिसने के लिए आपने ये ट्यून कराया प्रोग्राम, लॉग इन कराया इस प्रोग्राम को आप देखने के लिए क्लिक करे हैं, उस समस्या से जो उम्मीद है आपकी, उसके उम्मीद के मुताबिक आपको बेहतरीन 10 से 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ बताऊँगा। लेकिन साथियों बता दूँ कि यह दवाएँ बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, प्रिस्क्राइब करे बिना ना लीजिएगा, क्योंकि हर दवा का अपना मामला होता है, उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। होम्योपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तो साथियों, हम आपको बताते हैं होम्योपैथी में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को ठीक करने की 15 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। साथियों, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट विषय वही आता है जिससे इस वीडियो की शुरुआत हुई, कि बच्चों की याददाश्त कमज़ोर है। बच्चे एग्जाम में याद तो करते हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं। तो अगर यह कंडीशन आपके बच्चे में है कि उसका मेमोरी रिटेंशन कम हो रहा है, पढ़ाई का रिटेंशन कम हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बराइटा कार्बोनिकम।
आप ब्राइटा कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि बच्चे की मेमोरी में इंक्रीज होने लगा। ब्राइटा कार्ब का रेड लाइन सिम्टम है साथियों ड्वार्फिशनेस ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, ये डॉक्टर हेनीमैन साहब ने कहा है, जो कि होम्योपैथी के सब कुछ है मैं कहूँगा, क्योंकि उनके बाद से आज तक ना किसी ने कुछ लिखा है ना करा है, उन्हीं की बात को तोड़ मरोड़ के पेश करा गया है। तो डॉक्टर हेनीमैन साहब ने कहा था ब्राइटा कार्ब के लिए ड्वार्फिशनेस ऑफ बोथ बॉडी एंड माइंड, अगर आपके बच्चे की बॉडी की ग्रोथ ना हो रही हो तो भी ब्राइटा कार्ब बहुत कारगर है, और अगर उसके माइंड का डेवलपमेंट ना हो रहा हो तो भी ब्राइटा कार्ब बहुत कारगर है। आप इस दवा को देख के, इसका मेडिकल इफेक्ट देख के अपने बच्चे को लाभ पहुंचा सकते हैं और उसके भविष्य को 99.9% वाला बनाने में मदद कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है, बड़ी पिक्यूलियर है लेकिन बहुत कॉमन है, कि सेक्सुअल एक्सेस के कारण मेमोरी लॉस होने लगा। व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा जो है वो जब सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गया, उसके बाद उसकी बुद्धि का पैनापन चल गया, वो चीज़ें भूलने लगा। तो अगर यह स्थिति हो कि वो उसका दिमाग का पैनापन खत्म हो गया हो एक गलत तरफ दिमाग लगाने से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। आप एसिड फॉस 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो यह भूलने की आदत है, जो कि मैस्टुबेशन की एक्टिविटी के कारण या गलत एक्टिविटी के कारण हुई है, वह सब ठीक हो जाएगी और आप अपने को संपन्न सुखी और ज़्यादा एक्टिव समाज से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का जज्बा अपने में पाएंगे। फिर साथियों एक बड़ी कॉमन स्थिति आती कि लिखते लिखते भूल गए क्या लिखना है। बच्चों में बड़ी कॉमन स्थिति आती है साथियों कि लिखते लिखते भूल गए कि क्या करना है। तो अगर यह स्थिति आपके हो कि आप ये भूल जाएं कि अपने सेंटेंस को बीच में भूल जाएं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लैक कैनाइनम। आप लैक कैन 32 बूंद दिन में 3 बार हर उस स्थिति में दे सकते हैं जब बच्चा लिखते लिखते सेंटेंस भूला जा रहा है बीच में ही, और मरीज एब्सेंट माइंडेड है। एब्सेंट माइंडेड मतलब बात कुछ हो रही, सोच कुछ रहा है। तो अगर यह स्थिति है तो लैक कैन बहुत अच्छी दवा है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस की, भूलने की स्थिति की, भूलने की कंडीशन की। आप इसको 30 पावर में 2-2 बूंद देकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार को और योग्य बनाने में अपनी मदद कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों पिक्यूलर कि सुबह सुबह चीज़ों को भूल गए। मॉर्निंग टाइम में जब आप उठे तो आप चीज़ों को भूल गए। तो अगर यह स्थिति आप में होती कि सुबह के वक्त आप चीज़ों को ज़्यादा भूलते हैं और दिन में आप थोड़ा सामान्य हो जाते हैं, तो इस स्थिति की भी होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। आप एनाकार्डियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। इससे आपको तो सुबह सुबह उठ के आपको जो ये मेमोरी लॉस फॉरगेटफुलनेस की स्थिति है ख़त्म हो जाएगी और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगेंगे। एक साथियों फॉरगेटफुलनेस की स्थिति आती है, आपने देखा होगा कभी कभी लोगों को अपने घर जाना, वो घर से थोड़ा आगे निकल गए, मतलब अपना घर भूल गए 2 पल के लिए और घर से आगे निकल गए, फिर उन्हें एहसास होता है 10-15-20 सेकंड बाद और वो वापस आते हैं या वो गलत मोड़ पे मुड़ गए। अगर यह स्थिति हो साथियों इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ग्लोनाइन। आप ग्लोनाइन 32 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आप अपने घर का रास्ता ही भूल जाएं या थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं या घर के 2 पल आगे निकल जाएं फिर आपको वापस पीछे आने लगे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा ग्लोनाइन है। आप ग्लोनाइन 30 लेके अपनी फॉरगेटफुलनेस को ख़त्म कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि बोलते बोलते भूल गए क्या बोलना है, यह भी एक कंडीशन होती है फॉरगेटफुलनेस की। तो अगर यह स्थिति आपके हो रही है कि आप बोल रहे हैं और फिर भूल गए क्या बोलना है आगे, तो अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैनबिस इंडिका। आप कैनबिस इंडिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपकी यह स्थिति जो आप भीड़ में हैं कुछ बोलना चाह रहे हैं और भूल गए क्या बोलना है, फिर 2 मिनट बाद 10 सेकेंड बाद याद आया
तो अगर वो पॉज वाली स्थिति आप में बन रही है तो कैनबिस इंडिका बहुत अच्छी दवा है। इसको आप लेके बच्चा जो आपका रिसाइटेशन में असेंबली में भूल जाता है स्टेज पर, आजकल कॉन्वेंट कॉलेज में हर बच्चे का एक दिन स्टेज पर बुलाया जाता है, उसका नंबर आता है, उसको बोलना होता है, कुछ बच्चे बोलते बोलते भूल जाते हैं, तो कैनबिस इंडिका बहुत अच्छी दवा है जो उस बच्चे को बिल्कुल स्मूथली अपना लेक्चर डिलीवर करने में मदद करेगी, उसको ठीक करेगी। फिर साथियों एक कंडीशन आती है कि हर समय मरीज डाउट में रहता है, उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कारण वो हर समय एक डाउट एक कंफ्यूजन में रहता है, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैलेडियम। कैलेडियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार यदि आप लेते हैं उस कंडीशन में, जब आपको मन में डाउट हर चीज़ की 2 बातें बनी रहती, होगा कि नहीं होगा, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा, अगर ये डाउट की कंडीशन आपके दिमाग में है और आपके फॉरगेटफुलनेस इससे आ रही है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कैलेडियम है। आप कैलेडियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपका बच्चा या आप या हम कोई भी लिखते लिखते स्पेलिंग भूल गया, जब आपको वर्ड्स की स्पेलिंग तक याद ना रहने लगे, वो स्थिति हो आपको फॉरगेटफुलनेस की, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की, याददाश्त कम होने की, तो उस कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है मेडोरिनम। आप मेडोरिनम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दे दें, आप देखेंगे कि बच्चे को याद भी बहुत अच्छा होने लगा और वो जो लिखते लिखते वर्ड्स भूल जाता है, स्पेलिंग भूल जाता है, वह स्थिति खत्म हो गई और यह एक वर्ड्स कंडीशन है फॉरगेटफुलनेस की, उससे वह उबर आया और लाभ प्राप्त कर लिया। यह स्थिति उन स्थितियों में बहुत अच्छी है जब बुजुर्ग लोगों में आफ्टर 50-60 ईयर्स जो एक थोड़ा सा एब्सेंट माइंडेडनेस आती है, डिमेंशिया नहीं, वो एक अलग बात है, अगर छोटा मोटा चीज़ें भूलने की आदत शुरू होती है तो मेडोरिनम बहुत अच्छी दवा है जो उनको भी ठीक कर देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, कभी कभी आपके बच्चों को या बड़ों को भी कुछ बताया गया उसके पल भर में वो भूल गए, मतलब एक पल बताया गया दूसरे पल भूल गए, अगर यह स्थिति आपको हो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में, फॉरगेटफुलनेस में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एलियंथस ग्रैनुलोसा। एलियंथस बहुत कारगर दवा है, जब आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको कुछ बताया गया हो और आप 2 ही सेकंड बाद उसको भूल जाएं और आपको फिर उस बात को पूछना पड़े तो एलियंथस उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है। आप इसका 2 बूंद 30 पावर में दिन में 3 बार लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने फॉरगेटफुलनेस को खत्म कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती कि ऐसा दिमाग चलाना पड़ा कि याददाश्त कमजोर होने लगी, ऐसा मरीज को महसूस होता है, तो जब ओवर एग्जर्शन ऑफ माइंड के कारण आपको फॉरगेटफुलनेस होने लगे तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कालीफॉस फोरिकम। कालीफॉस 6x पावर में, हम लोग इसको डिप्रेशन और एंजाइटी में आप लोग जानते होंगे, लेकिन यह जो है वह फॉरगेटफुलनेस की भी बहुत अच्छी दवा है, गोल्डन रेमेडी है, जब आपका ओवर एग्जर्शन हो गया, इतना ज़्यादा दिमाग से काम कर लिया कि चीज़ों को भूलने लगे, तो कालीफॉस 6x चरचर गोली दिन में 2 बार ले लें, 4 टैब 2 टाइम्स, आप देखेंगे कि आपका मेमोरी बेहतर होने लगी, फॉरगेटफुलनेस कम होने लगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके फॉरगेटफुलनेस है, याददाश्त आपकी टेम्परेरी कमज़ोर हुई है और आप लोगों के बारे में परसेप्शन नहीं कर पाते, राय नहीं बना पाते, सोच नहीं पाते हैं, उस तरह का आपका माइंड कमज़ोर हुआ है, अगर वह स्थिति है तो उसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एम्ब्राग्रेसिया। एम्ब्राग्रेसिया 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लेकर आप इस स्थिति से निकल सकते हैं कि जिसमें आप लोगों के बारे में परसेप्शन नहीं बना पा रहे। हालांकि परसेप्शन बनाना अच्छा नहीं है, मैं इसके विरोध में, और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आदमी दूसरे के बारे में राय बड़ी जल्दी बना लेता है, मतलब हो या ना हो, तो परसेप्शन बनाना गलत है, लेकिन बनाने की क्षमता ना होना भी गलत है। तो एम्ब्राग्रेसिया वो दवा है जो आपको परसेप्शन बनाने की क्षमता उत्पन्न कर देगी, लेकिन मैं विनती करूंगा कि लोगों के बारे में जल्दी राय ना बनाएं, हो सकता है आपकी राय उनके बारे में गलत हो और एक व्यक्ति जो सही काम कर रहा है वो भी आपकी सोच में गलत है, तो उसका तो बहुत कुछ चला गया, तो कृपया करके इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान।
फिर साथियों एक कंडीशन आती है मेमोरी लॉस के विषय में कि कंप्लीट मेमोरी लॉस हो गया, बच्चा जो है जब दूसरा बोल रहा है उसके टीचर आया, टीचर के पीछे ही रिपीट कर पा रहा है अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंसेस को। अगर यह स्थिति हो कि इतना ज़्यादा मेमोरी लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है किसी बच्चे में या बड़े में, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कालीब्रोमेटम। आप कालीब्रोमेटम यानी कालीब्रोम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है इस स्थिति का कि आप पूरा सब कुछ भूले जा रहे हैं, आप केवल कोई बोल रहा है तो उसके पीछे ही रिपीट कर पा रहे हैं, उस स्थिति को ठीक करने की दवा कालीब्रोम है। आप कालीब्रोम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने बच्चे या कोई बड़ा हो उसको सबको सही कर सकते हैं कालीब्रोम से। एक बड़ी मज़ेदार कंडीशन आती है साथियों की, व्यक्ति की याददाश्त वो भूल गया, शॉर्ट टर्म भूल गया, दिन भर उसकी एक्टिविटी चलती रही और रात में जब सोया तो सपनों में वो बातें आने लगीं। हो सकता है कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो या किसी ने करा हो। होम्योपैथी में इसकी बहुत कारगर दवा है समस्या को ख़त्म करने की, फॉरगेटफुलनेस को ख़त्म करने की, वह है सिलीनियम। आप सिलीनियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं। जब आप जो दिन में चीज़ें भूलते हैं और रात में आपको सपने में वो चीज़ें भूली चीज़ें आती हों, तो सिलीनियम 30 आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। यह दवा आपको ठीक करके सिम्टम से निकाल के आपकी फॉरगेटफुलनेस को ख़त्म कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है फॉरगेटफुलनेस की कि जो आपको इम्बेसिलिटी यानी इडियोसी इडियोटिक रूप में ले जाती है, मतलब समाज उसको बेवकूफ़ी कहने लगता है, इस तरह का एक परसेप्शन आ जाता है। तो अगर एक लोअर डिग्री की इडियोसिटी होती है, भारी बेवकूफ़ी नहीं होती, जो छोटी हल्की बेवकूफ़ी होती है लेकिन वो एक परसेप्शन बेवकूफ़ी का होता है, तो अगर वह स्थिति है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जिंकम फॉस्फोरिकम। आप जिंकम फॉस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं। जब आपकी इडियोसिटी जो है वह एक लेसर डिग्री की हो लेकिन हो बेवकूफ़ी ही, ऐसा अगर आपको महसूस हो तो जिंकम फॉस बहुत अच्छी दवा है आपकी इस इडियोसिटी को दूर करके आपको और ज़्यादा कुशल, और ज़्यादा पैना और ज़्यादा मजबूत वारियर बना के आपको लड़ाई के जो इस संसार रूपी लड़ाई का मैदान है इसमें उतारेगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों की, व्यक्ति आप भूलने की आप में एक स्थिति पैदा हो रही हो और फिर आप लोगों से बात ही ना करना पसंद करें। अगर आप लोगों से दूर दूर रहते हैं, आपको पता है आप बात करेंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे, अगर यह एहसास मेंटल आपको है तो इसको ठीक करने की और आपकी फॉरगेटफुलनेस को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा सल्फर है। आप सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो यह लोगों से दूर रहने के कारण आपका भूलना की स्थिति है वह स्थिति भी ठीक होगी, लोगों से दूर रहने का दिल भी नहीं करेगा, लोगों में मिक्सअप होंगे और अपनी बात को मजबूती से लोगों के सामने रखेंगे। तो सल्फर 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पे ले लें, आप ठीक हो जाएंगे। फिर एक साथियों होती है फॉरगेटफुलनेस की स्थिति की, अचानक भूल गए, एक पल पहले याद था और एक ही पल में भूल गए, जो ये अचानक वाला अगर सिम्टम आप में जुड़ता है, सडन ऑनसेट जुड़ता है भूलने में, बात याद है, सेंटेंस बोल रहे हैं, बात पूरी याद है, आपको पता है, आपको याद है, आप बोल लेंगे लेकिन आप भूल गए बीच में, तो अगर यह स्थिति हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रोडोडेंड्रॉन ट्राइसिंथिमम। रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आप देखेंगे कि आपका यह जो सडन ऑनसेट है भूलने का यह ठीक हो गया और आप अपने को बेहतर महसूस करने लगे। फिर एक साथियों स्थिति आती है बड़ी पिक्यूलियर कि मरीज जो है उसके फॉरगेटफुलनेस है, पेशेंट है उसके फॉरगेटफुलनेस है और वह कुछ हिस्सा भूला जा रहा है बात का, जैसे कि 84 है, 84 इसमें 8 उसको याद रहा, 4 वो भूल गया, 4 भूल गया, यानी 84 अगर है तो 8 अक्षर उसको याद रहा लेकिन 4 अक्षर भूल गया। तो अगर यह कंडीशन अगर है कि आपको एक ही शब्द का आधा हिस्सा याद हो रहा है और आधा आप भूल रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। देखिए होम्योपैथी इतनी कारगर चीज़ है, जो बात है पैथी है, एक दवा की विधा है जो इस स्तर तक आपको ठीक कर रही है। तो उसकी दवा है साथियों रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्स 1 mg की
दिन में 3 बार 2-2 भूल ले लें, आप देखेंगे कि ये जो आपके 84 में 4 भूलने वाली, 84 में 4 फिगर भूलने वाले की जो आपकी मेंटल टेंडेंसी है वह ख़त्म हो गई और आप ठीक हो गए। फिर एक साथियों फॉरगेटफुलनेस की स्थिति आती है कि आप बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ गए, जैसे वर्ड जो आप बोलना चाहते हैं वो ना बोल के कोई और वर्ड आपके मुंह से निकल गया। तो अगर यह स्थिति आपके फॉरगेटफुलनेस की है साथियों, तो इसको भी ठीक करने के होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है स्ट्रेमोनियम। आप स्ट्रेमोनियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आप ये बोलना कुछ चाह रहे हैं और बोल कुछ गए, यह जो कंडीशन है कि ओमिट्स द राइट वर्ड एंड सेड द रॉन्ग वर्ड, इस स्थिति को ठीक करके आपको फॉरगेटफुलनेस की समस्या से ख़त्म कर देगा। ये साथियों को दवाएं थी होम्योपैथी में फॉरगेटफुलनेस के लिए, जो उम्मीद करते हैं आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चे को और इस समाज को लाभ देंगी। दवाएं साथियों आपकी जानकारी के लिए थी। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें। अगर आपके मन में क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786 या नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख दें। रिलीवेंट सवालों का थोड़ा वक्त दीजिएगा, वक्त कम होता है तो जवाब हो सकता है देर से हो, लेकिन आप तक जवाब पहुंचेगा। रेलिवेंट बातों का जवाब आपको देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथियों अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों साथ रहने, साथ देने और साथ चलते रहने के लिए धन्यवाद।